नमस्कार साथियों, टीएनसी नर्सिंग क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपने ये प्लान परचेस किया है, उस प्लान के तहत आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है, किस प्रकार से आपको ऐप को यूज करना है, किस प्रकार से आपको ऐप को रनिंग करना है, किस प्रकार से एग्जाम को देना है, किस प्रकार से आपको पीडीएफ देखना है, किस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करना है, ये सारे के सारे जितने भी प्रोसेसर है, ये सारे के सारे जितने भी प्रोसेसर है, उसको हम वन बाय वन करके देखते हैं। तो सबसे पहले आपने ये प्लान परचेस किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद हम बात करेंगे किस प्रकार से आपको एग्जाम के अंदर जाना है और किस प्रकार से आपको डेली सीरीज मिलेगी। तो सबसे पहले आपको इस ऐप के होम पेज पे जाना है, इस प्रकार से आपको एक आउटलुक दिखाई देगा, और इस आउटलुक के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस आउटलुक के सबसे ऊपर में देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बिल्कुल एक तीन बटन दे रखे हैं, उसमें एक राउंड द क्लॉक रिफ्रेश का बटन दे रखा है, जब भी आप ऐप को ओपन करें, इस रिफ्रेश बटन को एक बार जरूर दबाएं, जिससे आपका डाटा बिल्कुल एकदम से रिफ्रेश हो जाए। तो आपने सबसे पहले ऐप को ओपन किया है, ऐप को ओपन करने के बाद आपने रिफ्रेश बटन को दबाया, रिफ्रेश बटन दबाने के बाद कुछ सेकंडों का वेट करना होगा। जो ही आप कुछ सेकंड वेट करेंगे तो आपका ऐप एक प्रॉपर तरीके से रिफ्रेश हो जाएगा। प्रॉपर तरीके से रिफ्रेश होने के बाद आपको सबसे पहले एग्जाम किस प्रकार से देना है, एग्जाम देने के लिए आपको यहाँ पे नीचे टूल बार में, सबसे नीचे में एग्जाम होम के जस्ट बगल में क्वेश्चन बैंक लिखा हुआ है, जो ही आप क्वेश्चन बैंक पे क्लिक करेंगे, तो आप एक नई स्लाइड पे पहुंच जाएंगे, नई स्लाइड पे पहुंचने के बाद आपको ऊपर में ध्यान से देखना है, तीन स्लाइड दिखेंगी। सबसे ऊपर में एक एग्जाम रिजल्ट पीडीएफ एंड प्रैक्टिस, जो ही आप एग्जाम के अंदर जाते हैं तो जो प्लान आपने परचेस किया है, जैसा कि आपने सीएचओ का प्लान परचेस किया है, जैसा कि आपने डेली सीरीज का प्लान परचेस किया है, जैसा कि आपने प्रीवियस ईयर पेपर का प्लान परचेस किया, जो प्लान आपने परचेस किया है उसी फोल्डर के अंदर, आपको क्लिक करना है। जो ही आप उस फोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपको वहां पे एक ऊपर में एक लाइन चलती हुई, लोडर लाइन चलती हुई दिखाई देगी। तो उस लोडिंग लाइन को पूरा कंप्लीट होने दे। जो ही वो लाइन कंप्लीट होगी, जितने भी उस फोल्डर्स के अंदर जो एग्जाम है, वो ओपन हो जाएंगे। जो ही आप उस एग्जाम को ओपन हो जाएंगे तो आप उस एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए उस एग्जाम के ऊपर क्लिक करना है। जो ही आप उस एग्जाम पे क्लिक करेंगे तो वो एग्जाम स्टार्ट एग्जाम शुरू हो जाएगा। याद रहे यहाँ पे इंपॉर्टेंट रखने वाली बात, कैसे इस प्रकार से इंपॉर्टेंट रखना है, यहाँ पे एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, एक बार ही आप एग्जाम अटेंड कर सकते हैं। यानी ध्यान रहे कि जब भी आप एग्जाम कर रहे हैं, एक बार स्टार्ट करने के बाद पूरा पूरा खत्म करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि आप एग्जाम स्टार्ट करने के बाद बीच में रोक सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये एक पूरा का पूरा सीबीटी बेसिस एग्जाम है। एग्जाम स्टार्ट करने के बाद आपको पूरा का पूरा एग्जाम कंप्लीट करना होगा। जो ही आपने स्टार्ट बटन पे दबाया, आपका टाइमर शुरू हो जाता है और उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम देना है। ये पूरा का पूरा सीबीटी बेसिस एग्जाम है, और सीबीटी बेसिस के बेस पे आपको सबमिट करना है। जो ही आप सबमिट करेंगे, तो आपसे एक परमिशन मांगेगा कि आप तैयार हैं सबमिट करने के लिए। जो ही आप यस पे क्लिक करेंगे तो आपका एग्जाम सबमिट हो जाएगा। अगर आप डेली सीरीज परचेस करते हैं तो डेली सीरीज हमेशा ध्यान रखें, रोजाना शाम को 6 बजे से लाइव पेपर शुरू होता है, और रात को 11 बजे तक, 6 बजे से लेकर 11 बजे तक डेली सीरीज हमेशा टीएनसी नर्सिंग ऑर्गेनाइज करवाती है। स्टार्टिंग टाइम इज द 6 PM एंड एंडिंग टाइम इज द 11 PM। रिजल्ट है वो 11:30 बजे आपके फोन की स्क्रीन पर आपको अवेलेबल मिलेगा। 11:30 बजे आपको एक पर्सनल मैसेज आएगा और साथ ही साथ आपको एक व्हाट्सएप के थ्रू एक रैंक मिलेगी। व्हाट्सएप के थ्रू रैंक तभी मिलेगी जब आपके मोबाइल के अंदर 7484999051 आपके मोबाइल के अंदर ऐड होंगे। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने मोबाइल में नंबर ऐड नहीं करते, तो उनको किसी भी प्रकार का मैसेजेस, व्हाट्सएप मैसेजेस
नहीं आता है। इसलिए सबसे पहले प्लान परचेस करने से पहले या जब भी आपने प्लान बाय किया है तो सबसे पहले इस नंबर को अपने मोबाइल के अंदर जरूर सेव कर ले, जिससे आपको सारे के सारे जो टीएनसी के नोटिफिकेशन से आपको प्रॉपर तरीके से मिल सके। तो ये सारा का सारा प्रोसेस आप 11:30 बजे तक आप कंप्लीट करते तो आपको 11:30 बजे रैंक मिलेगा। अब ध्यान दें, वेरी इंपॉर्टेंट बात, पीडीएफ किस प्रकार से देखें। तो पीडीएफ देखने के लिए आपको सबसे पहले होम के ऊपर रिजल्ट पीडीएफ लिखा होगा, उस पर क्लिक करें। होम के अंदर क्या लिखा है, रिजल्ट पीडीएफ, उस पर जो ही आप क्लिक करेंगे जिस फोल्डर के अंदर आपने एग्जाम दिया है उसी फोल्डर को वापस चूज करें। जैसे कि आपने डेली सीरीज के अंदर आप रोजाना हमेशा एग्जाम दे रहे हैं, या प्रीवियस ईयर पेपर, या आपने सीएचओ प्लान, या कोई भी फोल्डर को आपने परचेस किया हुआ है उस फोल्डर पे आप क्लिक करेंगे, जितने आपने एग्जाम दिए हैं उनकी सारे की सारी एग्जाम कॉपी आपको रिजल्ट पीडीएफ के अंदर मिलेगी। आगे नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस के अंदर किस प्रकार से आप प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस के अंदर आपको क्या करना है, जो ही आप होम पेज के अंदर जाते हैं, होम पेज के अंदर सबसे ऊपर में एक रिजल्ट पीडीएफ के बगल में ही एक प्रैक्टिस लिखा हुआ है, जो ही आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक इस प्रकार का एक अलग ही प्रकार की अलग कलर का एक आपको फॉर्मेट ओपन होगा। उसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले उसमें से जिस फोल्डर के अंदर आपने एग्जाम कंप्लीट किया है उसी फोल्डर के अंदर, जैसा कि आपने डेली सीरीज के अंदर एग्जाम दिया है तो उसी फोल्डर को वापस क्लिक करना है। जो ही आप उस फोल्डर को क्लिक करेंगे तो ऊपर में एक लाइन चलती हुई लोडर लाइन चलेगी, और उस लोडर लाइन के तहत आपके जितने भी पेपर्स हैं वो आपको अपीयर हो जाएंगे। उस एग्जाम के ऊपर आप जो ही क्लिक करेंगे तो आपका एग्जाम वापस से शुरू हो जाएगा। डिफरेंस बस एक रहेगा कि वहां पे एग्जाम एक प्रॉपर सीबीटी बेसिस पे चल रहा था, यहाँ पे भी सीबीटी बेसिस ही रहेगा, लेकिन डिफरेंस ये रहेगा कि जो ही आप आंसर करेंगे तुरंत आपको वहीं के वहीं आपको आंसर एंड रेशनल शो करेगा, वहीं पे आपको आंसर एंड रेशनल शो करेगा, जिससे आप प्रैक्टिस के अंदर तुरंत आप अपना इवेल्यूशन करते हुए आगे चल सकते हैं। लेकिन एक बार सबमिट करने के बाद आंसर वापस चेंज नहीं किया जा सकता, इसलिए आपको नेक्स्ट पे ही जाना जा सकता है। इसलिए आप आगे से आगे जो आप क्वेश्चन को सोल्व करते जाएंगे तो आप लास्ट में सबमिट करेंगे तो आपका स्कोर एक बार फिर से जनरेट हो जाएगा, आपने कितने अच्छी प्रैक्टिस की है वो भी आपको पता चल जाएगा और प्रैक्टिस के अंदर आपका पूरा का पूरा सोल्यूशन हो जाएगा। इस प्रकार से एग्जाम कैसे दे, रिजल्ट पीडीएफ कैसे देखें और रिजल्ट कैसे देखें, ये सारा का सारा मैंने प्रोसीजर एक्सप्लेन किया। इसी प्रकार से ये सारे के सारे फोल्डर रनिंग करते हैं, टीएनसी हमेशा आपके साथ है और आपको सफल बनाकर ही छोड़ेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।